1999 अक्टूबर उड़ीसा में आहत करने वाले साइक्लोन से हजारों लोगों की जानें चली गई थी और सैकड़ों गांव तबाह हो गए थे। प्रशांत नामक एक युवक दो भयानक रातों में एक मकान की छत के ऊपर ठहरा था। तीसरे दिन उसने अपने गांव में जाने का निर्णय लिया। क्या उसे अपना परिवार मिलता है? तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं। 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने एक मित्र को मिलने गया जो इरशामा में रहता था। वह स्थान उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर था। शाम को एक बहुत ही तेज साइक्लोन आ गया। हवा बड़े जोर के साथ मकानों से टकराई। तेज और लगातार बारिश हो रही थी। घर और लोग बाढ़ में बह गए। उसके मित्र का घर ईंटों और सीमेंट का बना हुआ था। वह इतना मजबूत था कि 350 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं को झेल गया, मगर एक उखड़ा हुआ पेड़ उनके घर पर गिर गया और छत के कुछ भाग और दीवारों को नुकसान पहुंचाया। घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने छत पर आश्रय लिया। वे ठंड एवं बरसात में जम गए। सुबह प्रशांत ने साइक्लोन द्वारा किए गए नुकसान को देखा। चारों तरफ पानी की चादर थी। केवल सीमेंट वाले मकानों के कुछ भाग नजर आ रहे थे, बाकी सारे घर बह गए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए थे। जानवरों और मनुष्यों की फूली हुई लाशें चारों तरफ तैर रही थी। साइक्लोन और सागर की लहरों द्वारा पैदा किया गया विनाश अगले 36 घंटे तक चला। दो दिन बाद बारिश बंद हो गई और बारिश का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। प्रशांत को अपने परिवार की चिंता थी। उसने एक लंबी छड़ी ली और अपने गांव की ओर 18 किलोमीटर लंबी और मुश्किल यात्रा करनी शुरू कर दी। चारों तरफ पानी था। उसे सड़क को ढूंढने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। कई जगह पानी कमर तक गहरा था और आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल था। कई बार सड़क खो जाती थी और उसे तैरना पड़ता था। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने चाचा जी के दो मित्र मिल गए। उन्होंने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्हें पानी पर तैरती हुई इंसानों की लाशों को ढकेलकर आगे बढ़ना पड़ता था। वहाँ कुत्तों, बकरियों और मवेशियों की लाशें भी थी। वे जिस भी गांव से गुजरे वहाँ मुश्किल से कोई घर बचा हुआ नजर आता था। उसे डर था कि उसका परिवार उस साइक्लोन में जीवित नहीं बचा होगा। आखिर वह अपने गांव कालाकुदा पहुँचा। उसका दिल डूब गया। उसका घर बह गया था। उसके परिवार का कहीं पता नहीं था। अपने परिवार की तलाश करने के लिए प्रशांत रेड क्रॉस आश्रय में गया। सौभाग्यवश उसका परिवार जीवित था। वे प्रशांत को देखकर बहुत खुश हुए। उसे पता चला कि गांव के 86 लोग मर गए थे और उन सभी के घर बह गए थे। साइक्लोन ने प्रशांत के गांव और आसपास के गांवों में बहुत विनाश किया। प्रशांत ने अपने परिवार और अन्य लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने जवानों का एक ग्रुप बनाया। उन्होंने स्थानीय व्यापारी पर दबाव डाला कि वह भूख से मरते ग्रामीणों को चावल दे। उन्होंने आग जलाई और चावल पकाया, पर वह चावल सड़ गए थे। उसका अगला कदम था कि उस स्थान से गंदगी, कूड़ा, पेशाब और तैरती हुई लाशों को हटाया जाए। जो बहुत से लोग घायल हो गए थे, उन्होंने उनके जख्मों और टूटे अंगों की देखभाल की। पांचवें दिन मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर ने भोजन गिराया, मगर यह लौटकर नहीं आया। प्रशांत और दूसरे लोगों ने हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को कहा कि वे अपने पेट पर खाली बर्तन रखकर लेट जाएं। ऐसा इसलिए किया गया कि वे हेलीकॉप्टरों को बताएं कि वो भूखे हैं। यह योजना काम कर गई और उसके बाद हेलीकॉप्टर ने नियमित रूप से भोजन गिराना शुरू किया। प्रशांत अनाथ बच्चों को लाया और उनके लिए एक आश्रय बनाया।
उसने स्त्रियों को कहा कि वे उनकी देखभाल करें, मगर उसने देखा कि स्त्रियां और बच्चे गम में और गहरे डूबते जा रहे हैं। एक गैर सरकारी संस्था ने काम के बदले अनाज योजना आरंभ की। प्रशांत ने उन्हें मनाया कि वे इस योजना में शामिल हो। उसने अन्य स्वयं सेवकों को इस काम पर लगाया कि वे विधवाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने में सहायता करें। अनाथ बच्चों को अपने ही समुदाय में फिर से बसाया गया। यद्यपि उस बात को 6 महीने बीत गए हैं जब साइक्लोन ने भारी विनाश किया था, मगर गांव की विधवाएं और बच्चे अपने दुख और आवश्यकता के समय अभी भी प्रशांत की तलाश करते हैं।